ओम शांति। हम इस धरा की पति पवित्र आत्माएं हैं, भक्ति मार्ग में हमारे ही पवित्र दिव्यता से चमकते हुए चेहरे सभी को श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। जिन लोगों को मनुष्यों ने हिज होलीनेस, हर होलीनेस अर्थात बहुत पवित्र आत्माओं का टाइटल दिया, ऐसे बड़े बड़े सन्यासियों को ये टाइटल मिलता है, वो भी देवी और देवताओं के आगे नतमस्तक होते हैं। तो संगम युग पर हमें ये श्रेष्ठ टाइटल बाबा से प्राप्त करना है, हिज होलीनेस हर होलीनेस अर्थात बहुत पवित्र परम पवित्र स्थिति की ये यादगार है। हमें ख्याल रखना है हमारे पवित्र वाइब्रेशंस इस संसार में सुख शांति का साम्राज्य स्थापित करते हैं। ये पवित्रता ही बहुत बड़ी शक्ति है, ये पवित्रता ही बहुत बड़ी संपत्ति है, यही पुण्य कर्मों का आधार भी है, यही हमारे रिलेशनशिप को स्वीट बनाती है, हमें जीवन जीने का आनंद दिलाती है। हम अपनी प्योरिटी को बढ़ाते चलें और रोज सवेरे उठकर ये अभ्यास किया करें कि वतन में बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखकर मुझे वरदान दिया, बच्चे संपूर्ण पवित्र भव निर्मल भव सभी सूक्ष्म विकारों से मुक्त भव। तो हमें संपूर्ण पवित्रता से अपना संवार करना है, बाबा को भी पवित्र आत्माओं की आवश्यकता है इस महान कार्य को संपन्न करने के लिए। हम में से अनेक आत्माएं बहुत पवित्र हैं, बचपन से ही जिनके अंदर पवित्रता के बीज हैं, पवित्रता के संस्कार हैं, ऐसी आत्माएं थोड़ी सी ही साधना करेंगे तो चित्त निर्मल स्थिति संपूर्ण निर्विकारिता की ओर बढ़ती जाएगी। ऐसी आत्माओं को संघर्ष भी नहीं करना पड़ता है, लेकिन जिनका जीवन अच्छा नहीं बीता, जिन्होंने छोटी आयु से ही विषय विकारों में अपने जीवन को धकेल दिया था, उनके लिए निश्चित रूप से मार्ग कठिन हो जाता है। परंतु यदि साधनाएं अच्छी की जाए तो बहुत बड़ी विशाल पवित्रता भी संपूर्ण पवित्रता में बदल सकती है। बात केवल दृढ़ता पूर्वक लक्ष्य को निर्धारित करने की है। हम अपने महान लक्ष्य को बना लें, अब मेरा मार्ग पवित्रता का मार्ग है, जैसा भी जीवन बीता है वो तो पूर्ण हो गया, अज्ञानवश या बुरे संग में आकर मैंने ऐसा वैसा अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन अब तो मुझे परमात्म संग मिला है, मुझे उसकी ही आज्ञाओं पर चलना है और पवित्र बनकर अपने परिवार में, अपने जीवन में और संसार में सुख शांति के वाइब्रेशन फैलाने हैं। यदि हमें दुख होता है, यदि हम किसी बात पर अशांत हो जाते हैं, यानी क्रोधित हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो समय लेना चाहिए, कहीं ना कहीं पवित्रता की शक्ति की हम में कमी है। तो आइए सुंदर शक्ति से हम स्वयं का श्रृंगार करें और एक विजन बनाएं। एक ऊंची पहाड़ी पर बैठकर एक श्रेष्ठ योगी चारों ओर पवित्र वाइब्रेशन फैला रहा है, उसके नैनों से, उसके मस्तक से, उसके अंग अंग से, उसके हाथों से पवित्र किरणें चारों ओर फैल रही हैं, और संसार जय जयकार कर रहा है। दूसरी भी विजन बनाए, मैं संपूर्ण पवित्रता का फरिश्ता आकाश में चमक रहा हूँ, नीचे से सभी मेरे स्वरूप का दीदार कर रहे हैं, सभी को मुझसे पवित्र वाइब्रेशंस मिल रहे हैं।
जय जयकार हो रही है, संसार बदल रहा है। आज ये सब अभ्यास करेंगे और रोज सवेरे उठते ही बाबा से पवित्रता का वरदान लिया करेंगे, तो हमारी पवित्रता अनेक आत्माओं के लिए सहारा बन जाएगी और ये पवित्रता परमात्मा को अति प्रिय है, हम उसके दिल में समाए रहे। ओम शांति।